हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेचुरल पूजा। कैसे हो आप सब? जैसे कि आप देख रहे हो, ये है मेरी मम्मी का घर। यहाँ पे मेरा जो छोटा भाई था उसकी बेटी हुई थी, तो मैं उसी प्रोग्राम में गई थी। यहाँ पे है आज जो हम लोगों में होता है ना, उसको हवन बोलते हैं, तो हवन का प्रोग्राम है आज। यानी कि जो मेरी भतीजी है वो 11 दिन की हो गई है, तो पापा ने हमें बुलाया था, तो उसी प्रोग्राम में हम लगे हुए थे। और प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद यहाँ पे हम, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों झूला झूल रहे, थोड़े मतलब थक गए थे, थोड़ी थकावट हो गई थी, तो सोचा चलो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, थोड़ी बातें करते हैं। तो साइड में हमारे मामा वगैरह बैठे हुए हैं, मामा जी वगैरह। ये मेरा छोटा बेटा यहाँ पे आया, और जो अभी गया था वो मेरा भतीजा है, यानी मेरे बड़े भाई का बेटा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं, और काफ़ी खुला हुआ घर है मेरे पापा का है, जो मतलब 3 घर हैं। और यहाँ पे अब ये डिनर हो रहा है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड हैं, और मेरी छोटी वाली सिस्टर है उनके हस्बैंड है, और बीच वाली सिस्टर है उसके हस्बैंड है, और ये मेरा भाई है साइड में। दोनों भाई है मेरे, ब्लैक वाला है जो टी शर्ट पहन रखी है, ये मेरा छोटा भाई है। साइड में जो बैठा हुआ है ये मेरी सिस्टर है ये वाली, और जो साइड में वो मेरा भाई है, वो मेरे हस्बैंड को तो आप जानते ही हो। और जो सामने है वो मेरी जो सिस्टर है उसके हस्बैंड, और ये वाली सिस्टर है छोटी वाली, इसके हस्बैंड। और ये मेरी जो सामने है ब्लैक सूट में, ये मेरी छोटी वाली सिस्टर है, और इधर ग्रीन में है ये मेरी बीच वाली सिस्टर है, और मैं सबसे बड़ी हूँ घर में। तो हम उनको डिनर करा के फिर हम तीनों भी यहीं पे खाना खाने के लिए बैठ गए हैं, तो बातें भी कर रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। तो हम लोग काफ़ी इन्जॉय करते हैं जब भी हम मायके में जाते हैं, और बहुत ही कम ऐसा होता है कि हम लोग इकट्ठे होते हैं, मतलब एक भाई दूज पे इकट्ठे होते हैं हम लोग सारे, और एक रक्षाबंधन पे। दो फेस्टिवल ही ऐसे होते हैं जिसमें हम सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं साथ में, और या फिर गर्मी भी छुट्टी आती है बच्चों की, तभी भी ऐसा नहीं है कि सारे इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि कोई आता है कोई नहीं आता, तो इसलिए यही फेस्टिवल ऐसे होते हैं जिसमें हम सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो साथ में बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। तो अभी हमारा डिनर हो रहा है, और ये किचन है मेरी मायके की, मतलब मेरी यहाँ पे बड़ा वाला भाई है वो यहाँ पे रहता है, और जो सामने है वो मेरी भतीजी है बड़े वाले भाई की बेटी, ये मेरे छोटे भाई का बेटा है। तो कुछ किचन में कर रही थी, तो मुझसे बोल रही है कि भुआ जी प्लीज़ मेरी हेल्प करो थोड़ी सी। तो मैंने कहा चलो ठीक है कि भुआ जी आपने मेरे को तो लिया नहीं अपने ब्लॉग में, चलो तो मैं ले लेती हूँ मैं। तो फिर मैं उसकी थोड़ी सी हेल्प कर रही थी, मैंने सोचा चलो उसका भी थोड़ा सा इसमें उसको भी ले लेती हूँ। और यहाँ पे फिर हमारा सारा डिनर वगैरह हो गया था, सब फिनिश हो गया था, तो हम लोग सारे यहाँ पे आराम से बैठे हुए और बातें कर रहे हैं। हम पांचों बहन भाई हैं, और हमारे बच्चे हैं, जो आपको बताया सामने ब्लैक सूट में वो मेरी छोटी वाली सिस्टर है, और ये जो बाल ठीक कर रही है वो छोटी बीच वाली सिस्टर है। ये है मेरा छोटा भाई, ये बहुत ज़्यादा नोटी है, बहुत ज़्यादा शैतान है, मतलब हंसी मजाक मस्ती हम लोगों में चलती रहती है। तो जैसे ही आया तो इसका डांस शुरू हो गया कि चलो मैं तुम्हें डांस करके दिखाता हूँ, तुम क्या अपने ससुराल की बातें लेके बैठ जाते हो। क्योंकि फिर हम लोग सारे बहुत दिनों बाद इकट्ठे होते हैं ना, तो फिर क्या करें, तो ये बातें करते रहते हैं कि क्या चल रहा है आजकल, इस तरीके होते हैं, वो हमें डांस करके दिखा रहा है। मैंने बोला कि बेटा ये यूट्यूब पे डालूंगी मैं, तो कह रहा नहीं नहीं ये मत डालना, लेकिन उसको पता नहीं है कि मैं ये डाल रही हूँ, मतलब डाल ही दिया अब तो। और फिर हम बातें कर रहे हैं, ये मेरा छोटा भाई है और वो मेरी छोटी बहन, आपको बताया ये पिंक जो दुपट्टा है ये मेरी बीच वाली बहन है, और वो उसका बेटा है, मतलब सबके बच्चे भी हैं साथ में। अभी हुआ है मतलब मैं लेट हो गई इस ब्लॉग को डालने में, इसको करीबन 1 मंथ हो गया जब मैं प्रोग्राम में गई थी, और अब आने वाला है मेरा बड़ा भाई भी आने वाला है। तो ये आ गया मेरा बड़ा भाई, जो मेरा बड़ा भाई है ये पुलिस में है, इसका नाम है राजीव, और जो ब्लैक टी शर्ट है वो मेरा छोटा भाई है, वो है कोर्ट में, दोनों की गवर्नमेंट जॉब है। और ये मेरी सिस्टर हैं, वो जो छोटी वाली सिस्टर है वो LLB कर रही है, और ये बीच वाली है ये टीचर है, और बच्चे हैं आपस में मस्ती कर रहे हैं सारे लोग, और हम लोग इतनी मस्ती करते हैं ना आप लोग यकीन नहीं करोगे, क्योंकि हम लोग जहाँ पर इकट्ठे हुए ना कि बस हमें पता नहीं चलता कितना टाइम हो गया, रात को भी 1-2 आराम से हमें बच जाते हैं, और हम लोग सब ऐसी बातें करते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, और बच्चे लोग तो सब सो ही जाते हैं, लेकिन अभी इतना ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, तो हम लोग वही हंसी मजाक मस्तीबाजी हम लोगों में चल रही है। लेकिन ये पल सच में बहुत ज़्यादा याद आते हैं। तो ये मेरा था छोटा सा ब्लॉग मेरे मायके का, जहाँ हम इकट्ठे होते हैं इतनी ज़्यादा मस्ती करते हैं। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।